हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आजकल ना एक न्यू जनरेशन आ गई है और ये न्यू जनरेशन यूट्यूब के अंदर आ गई है कि यहाँ पे पहले क्राइम भी खुद करो, गलतियाँ भी खुद करो और फिर खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले कर लो, है ना आजकल ये ट्रेंड में। बिल्कुल देख रही हूँ मैं, कम्युनिटी का गेम चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है। सब कुछ करने के बाद सारा का सारा चीज़ जो है वो दूसरे पे डाली जा रही है। बट यहाँ पे मुझे आज इस वीडियो में एक और मैटर के बारे में बात करनी है। दो तीन दिन से मेरे दिल और दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे चैनल पे और भी लोग हैं जिनको मैं कवर करती हूँ। तो मैंने सोचा तसल्ली से टाइम निकाल के आज इस बारे में बात ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आज कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जो सचिन एंड फैमिली से बिल्कुल करना चाहूँगी। कि सचिन एंड फैमिली ने एक वीडियो यहाँ पे दिखाई, क्योंकि उस वीडियो से रिगार्डिंग उनको सामने से कुछ चैनल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन आज की डेट तक भी नहीं हुई कि क्या ये वीडियो वाकई में उन चैनल्स के पास थी भी, या ये सिर्फ उनका वहम था, या उन्हें ये फील हो रहा था कि शायद यही वीडियो उनके पास होगी, क्योंकि किसी भी चैनल ने वीडियो तो शो करी ही नहीं थी। लेकिन हाँ, कम्युनिटी में कुछ ऐसी लाइंस ज़रूर थी जो लाइंस कहीं ना कहीं इस वीडियो से जुड़ती है, लेकिन वीडियो किसके पास थी किसके पास नहीं थी अभी तक ये बात सामने आई नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने ये कम्युनिटी छापी उन लोगों ने अभी तक ना तो ये बताया ना ये दिखाया कि उनके पास वाकई में ये वीडियो थी या नहीं। क्योंकि जो सचिन ने अपनी वीडियो लगाई है वो ओरिजिनल कॉपी तो नहीं है ना, वो पूरा उनके हाथ पे चल रहा है। तो ये ओरिजिनल कॉपी अगर इनमें से किसी के पास है तो ये लोग अभी तक वो दिखा क्यों नहीं रहे हैं, या फिर बता क्यों नहीं रहे हैं, या फिर इनके पास वो चीज़ थी ही नहीं, सिर्फ माउथ मार्केटिंग हुई और उस माउथ मार्केटिंग में सचिन को ये लगा कि शायद इनके पास ये वीडियो है और उन्होंने आके ये वीडियो पहले ही डाल दी। लेकिन जब कोई भी चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आती है ना, तो उसको दो तरीके के लोग देखते हैं। एक लोग जो बिल्कुल सही एंगल से देखेंगे, दूसरे लोग जो गलत एंगल से देखेंगे, और तीसरे लोग जो मिक्स एंगल से देखेंगे। तो जैसे ही ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आई, अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से देखा। अब क्योंकि अलग अलग तरीके से देखने की वजह से मिक्स्ड कमेंट्स, मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं। कोई उसे सही तरीके से देख रहा है, कोई कुछ लाइन से पूछ रहा है कि ये ऐसा एरोगेंस सब बिहेव दिखा, कोई कुछ पूछ रहा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही उस कॉल में, उस वीडियो में चार लोग ऑलरेडी कॉल पे थे, चार लोगों के बीच में ये चीज़ें हुई हैं। मतलब कि इस इंसिडेंट के बारे में चार से पांच लोगों को ऑलरेडी पता था। अब ये बाहर कैसे आई इस चीज़ के बारे में डीपली मैं नहीं जाऊँगी, मुझे लगता है ये लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर लेंगे इस चीज़ के बारे में, और हमें भी फाइनली जब इन्हें पता चलेगा तो ये हमें भी बताएंगे कि कैसे ये चार लोगों से बाहर गई, बाहर से बाहर गई। क्योंकि अभी तक वाकई में ये तो प्रूव हुआ ही नहीं कि सच में इन रिएक्शन लोगों जिन्होंने ये ब्लेम गेम शुरू करा, इनके पास ये था भी या ये सिर्फ मज़े ले रहे थे सुनी सुनाई बातों पर। क्योंकि रिएक्शन वीडियो में तो सिर्फ दो तीन लाइनें थी, जैसे मॉर्टिन वाली लाइन थी और हड़काने वाली लाइन थी, लेकिन ये वीडियो आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए। चलिए ये मैटर यहीं पे ख़त्म। कुछ लोगों ने वो वीडियो किसी एंगल से देखी, कुछ ने किसी एंगल से देखी, सबके एंगल्स का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया, एकदम साइलेंट हो गए। वीडियो पोस्ट करने के बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई, कोई भी समझाया नहीं गया, कुछ भी नहीं बोला गया, शांत हो गए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा मैटर डाइवर्ट हो गया था नेहा की तरफ, इसीलिए सचिन की फैमिली ने इस चीज़ पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। उसके बाद तीन चार दिन बाद एक वाहियात, बहुत ही वाहियात और गंदा कमेंट आता है, जिस कमेंट में सचिन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि उनका नाम भी इन्वॉल्व होता है और बहुत गंदे लेवल पे इन्वॉल्व होता है। जब वो हमने पढ़ा तो हमार को तो बहुत गुस्सा आया और हमने इस चीज़ के लिए प्रॉपर स्टैंड भी लिया, प्रॉपर वीडियो भी बनाई और प्रॉपर उस इंसान को हड़काया भी, ठीक है। क्योंकि उस पोस्ट के अंदर बिलो द बेल्ट बात करी थी जो कोई नहीं सुन सकता। अब मेरा सवाल है यहाँ पे, या मुझे अटपटा सा लगा कि जब एक चैनल से रिएक्शंस आते हैं, नाम बिगाड़े जाते हैं, तो इन्होंने सब ने इतना सॉलिड स्टैंड पूरे परिवार ने उस चीज़ के लिए लिया, क्योंकि वो इनके परिवार के लिए बोला जा रहा था। अब एक कमेंट में इतनी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, इतनी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, और आज भी वो कमेंट किसी की कम्युनिटी पे एग्जिस्ट करता है।
आज भी वो इतना बड़ा कमेंट वहीं के वहीं है, जिसे पढ़ने वाले हज़ारों लोग तो कम से कम होंगे ही। लेकिन उस बात के लिए सचिन की फैमिली से कोई भी उठकर नहीं आया, किसी ने भी उठकर उस बात पे स्टैंड नहीं लिया। साधा सरल सरल शब्दों में वहाँ पे सचिन का नाम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ था, और शायद रिएक्शन वीडियो तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे, जो कमेंट वहाँ पे हुआ है उसके आगे तो रिएक्शन वीडियोस कुछ भी नहीं थी। उस चीज़ पे सब के सब चुप क्यों हैं, किसी ने भी प्रॉपर तरीके से उस चीज़ के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। उस औरत के चैनल पे सब लोग गए, नेहा गए, उसका भाई गया, नीतू गई वहाँ पे, अलका गई, शांति गई, इतने सारे लोग जाके वहाँ पे स्टैंड लेके आए, लेकिन जिस इंसान का साथ नाम जोड़ा गया जिस औरत ने, वो इंसान के घर से परिवार से कोई भी इंसान वहाँ पे कमेंट भी नहीं करके आया और उस औरत को कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये सीरियसली समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें आप भी तो इन्वॉल्व है, आपका नाम भी इन्वॉल्व है, आपकी इमेज भी इन्वॉल्व है, और आप उस औरत के लिए कुछ आवाज़ नहीं खड़ी कर रहे हो, कुछ भी आवाज़ खड़ी नहीं कर रहे हो, और दूसरों को उसके लिए आवाज़ खड़ी करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? सीरियसली ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। यहाँ पे भाई बहन के रिश्ते पे अगर बात आई है तो वो भाई आप हो, और भाई होने के नाते तो पहला स्टैंड आपका लेना बनता था, उस पर पहला स्टैंड, पहला एक्शन, सब कुछ आपका लेना बनता था। लेकिन आपके बिहाफ में बाकी सब लोग वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उस औरत को कोस रहे हैं, लेकिन आपका भाई होने का फ़र्ज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि आपने उस चीज़ के लिए अभी तक भी अपनी ज़ुबान, अपना एक सॉलिड स्टैंड क्यों नहीं लिया ऐसी औरत के अगेंस्ट में। वो अभी तक बेझिझक निडर होके बोली जा रही है, अभी तक लगी पड़ी है वो, लेकिन आपने अपना ज़ुबान और अपना मुँह नहीं खोला। ऐसा क्यों? क्योंकि वीडियो आपने पोस्ट करी ना। अब वो वीडियो पोस्ट करने के बाद उस वीडियो के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों थे, जिनके साथ डील भी आपने किया था, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी पे वो वीडियो अपने चैनल पे चलाई थी। हमें पता भी नहीं कि सच में वो वीडियो किसी के पास पीछे से थी भी, या सिर्फ आपके चैनल से वो वीडियो सबके पास चली गई। लेकिन अब जब बात यहाँ पे स्टैंड लेने की है, तो फिर आपकी फैमिली क्यों स्टैंड नहीं ले रही है? क्यों अब उस औरत के खिलाफ आप लोग वीडियो नहीं बना रहे हो, या औरत के खिलाफ कोई भी ऑफ कैमरा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? वो अभी तक इतने खुले में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के परिवार के लिए बोल रही है, क्यों? क्यों आपने, आपके ऊपर मोर्टिन की बात की गई, होटल के कमरे की बात हो रही है, इतनी गंदी गंदी बातें हो रही हैं, और आपने जवाब के नाम पे चुप्पी साध ली है, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। ऐसे कैसे आप बिज़ी हैं कि इससे पहले जब एक रिएक्शन चैनल को बोलने की बात थी, जिसमें हमने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि वो भी एक गलत रिएक्शन था, पर्सनल लाइफ वो भी बात कर रही थी, वो भी गलत रिएक्शन था, जिस पे आपने कम से कम नहीं तो 6 से 7 दिन अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तब आप बिल्कुल बिजी नहीं थे। लेकिन अब जब वाकई में आपके इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इस औरत ने तो सारी हदें पार करी हैं, उस इन्वॉल्वमेंट में आपका इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है, आप कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सारी चीज़ें नेहा के ऊपर हैं, या उसका परिवार संभाल लेगा इस उसमें, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि ये भाई बहन के रिश्ते की बात है, और वो भाई आप हैं, वो भाई आप हैं, तो आपका स्टैंड लेना तो बनता था, आपका एक्शन लेना तो बनता था, क्योंकि हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, दुनिया आप लोगों को देखती है, तो आप लोग ही एक ज़रिया हो, एक माध्यम हो ये चीज़ के लिए, मैसेज देने के लिए, कि अगर कोई बिलो द बेल्ट अपनी हदें पार करता है, तो उन हदों को फिर कैसे हद में रहना है ये भी सिखाया जाता है। लेकिन अगर आज आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, या कुछ भी नहीं बताएंगे ना बोलेंगे, तो फिर ऐसा लगेगा कि आज इसने मुंह खोला है, कल 10 लोग और मुंह खोलेंगे, 50 लोग और मुंह खोलेंगे, तो फिर इन मुंह खोलने का ज़िम्मेदार कौन होगा? जहाँ पे स्टैंड वाकई में लेने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आप चुप हैं, वहाँ पे आपका मुंह नहीं खुल पा रहा है। फैमिली के इतने सारे लोग उस औरत के टाइम पे सब आए थे, अभी क्यों नहीं आ रहे हो, अभी क्यों नहीं बोल रहे हो? वो औरत को आज बोलते बोलते इतने दिन हो गए हैं, उसका कोई कम्युनिटी डिलीट नहीं हुआ है, उसका कम्युनिटी आज भी वहीं का वहीं है, सारी एलिगेशंस आज भी वहीं के वहीं हैं। खुले प्लेटफॉर्म में आके वो औरत अपनी गैलरी शो करती है, खुले प्लेटफॉर्म में आके आप लोगों को धमकाती है, और आप लोग उसको इतना आराम से लेट इट भी कर रहे हो कि चुपचाप होके बैठे हो। कल को कोई भी उठ के मतलब आपके लिए बोलने के लिए आएगा, और आप लोग अगर सुन ही लोगे, तो फिर किस बात का स्टैंड फिर आप लोगों के लिए बाकी लोग लें?
बाकी लोग उस औरत से लड़ रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं कि YouTube पे ऐसे काम नहीं करते हैं, YouTube पे ऐसे काम करते हैं, उसको गाइडलाइन सिखा रहे हैं। लेकिन जिनके लिए हम सिखा रहे हैं, अगर उन लोगों को ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है और उन लोगों को ही अपने लिए नहीं बोलना है, तो फिर बाकी लोग बेवकूफ़ हैं जो मतलब बोल रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है ये छोटी मोटी घरेलू कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। बहुत गंदे लेवल पे आपकी डिफेमेशन हुई है, बहुत गंदे ब्लेम लगे हैं आपके ऊपर, बहुत गंदे लगे हैं, लिखे गए हैं, डंके की चोट पे दिखाए गए हैं। और इस वक्त तो आप लोगों को सबको साथ में रह के ऐसे में एक लेसन देना चाहिए था, ताकि आने वाले किसी भी ऐसे नए नवेले इंसान को इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी की भी कही सुनी बातों पे आके सोशल मीडिया पे कमेंट कर दे या वीडियो छाप दे। वो आप लोगों के सामने फेस टू फेस आप लोगों को खुला चैलेंज पे चैलेंज कर रही है और आप लोग शांति से बैठे हुए हैं, ये गंद मचने दे रहे हैं और ये गंद होने दे रहे हैं। चुप्पी हर बात का सलूशन नहीं होती, और अगर चुप्पी इतनी पसंद थी तो वो वीडियो रिलीज़ करनी ही नहीं थी आपको। फिर तो हर कम्युनिटी पर चुप रहना चाहिए था आपको, हर रिएक्शन हर रोस्टिंग में आपको चुप रहना था। अगर आपने चुप रहना सलूशन समझा है कि चुप रहना सलूशन होता है, तो फिर क्यों बीते दिनों आप लोगों ने इतना रिएक्ट करा, तब क्यों आप लोग चुप नहीं हुए उस चीज़ के सामने? तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, जहाँ पे आई थिंक आप सबको ज़ुबान खोलनी चाहिए। वीडियो दिखाया काम ख़त्म, वीडियो दिखाया बस छुट्टी, कि चलो हमारी ब्लैकमेलिंग इस वीडियो से हो रही थी, अब हमने ये वीडियो दिखा दिया, अब छुट्टी। उस वीडियो के प्रोज एंड कॉन्स कौन झेलेगा? वो वीडियो आने के बाद उन सब चीज़ों से डील कौन करेगा? इतना बड़ा कोई इतना बड़ा कमेंट करके चले जाता है किसी की कम्युनिटी पोस्ट पे, जहाँ पे नेहा और उसका परिवार आके लड़ रहा है, वहाँ पे आप ही वो भाई हैं जिसके साथ नाम जोड़ा है, तो आप क्यों चुप हैं? सीरियसली मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप एक सॉलिड स्टैंड लेंगे और एक लेसन यहाँ पे देंगे कि किसी को हक नहीं है किसी की भी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे लाके डिस्कस करने का, किसी को भी हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ ऑफ कैमरा लाइफ पे आके उसके ऊपर इस तरीके के इतने बड़े बड़े मेजर एलिगेशंस लगाने का, किसी के कैरेक्टर पे बात करने का, किसी का कैरेक्टर ख़राब करने का। यहाँ पे अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेगा। यहाँ पे आपकी वाइफ की मेंटल हेल्थ की बात है। अगर आपको अपने रिश्ते की इतनी टेंशन थी कि लोगों की वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो अभी भी कुछ लोगों की वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं, भाई बहन का रिश्ता ख़राब हो रहा है, जिस पे भाई अभी तक चुप्पी साध के बैठा हुआ है। तो बस मुझे थोड़े दिन से ये बात अजीब सी लग रही थी। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि चलो आज नहीं तो कल इस वीडियो में नहीं तो उस वीडियो में आप इस चीज़ पे चर्चा करेंगे और एक बहुत सॉलिड तरीके से एक्शन लेंगे, ताकि तमाम लोग जो और निकल निकल के आ रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहीं पर रुक जाएं और उनको इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना आ जाए कि सोशल मीडिया में हमारी हदें कहाँ तक हैं और उन हद तक हम रहें। बाकी सब आपके लिए लड़ रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। लेकिन जिन्हें एक्चुअल में लड़ना चाहिए अपने लिए, जिन्हें एक्चुअल में अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वही फैमिली इस वक्त पर चुप बैठी है। और फिर आप लोग ये कहते हो कि हमारे दिल के रिश्ते हैं, हमारी सगी बहन से बढ़कर है, हमारी ये बहन से बढ़कर है, तो वो स्टैंड दिखाओ ना, प्लीज़ वो स्टैंड दिखाओ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आप चुप कराओ। बाकी सब लोगों ने उनसे दुश्मनी मोल ले ली है, बाकी सब लोगों को वो ट्रॉल और परेशान कर रही हैं, लेकिन जिसके लिए बोला जा रहा है वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, वो भाई कुछ नहीं बोल रहा है जिस भाई का नाम बहन के साथ जोड़ा गया। वो भाई को बोलना चाहिए और एग्जैक्टली डंके की चोट पे बोलना चाहिए, और ये सही वक्त है आपका बोलने का। अगर अब भी आप नहीं बोले तो फिर आई एम सॉरी टू से शायद आप बहुत सारे लोगों का विश्वास खो देंगे, फिर कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा और रिलेशनशिप पे विश्वास नहीं करेगा कि ये रिलेशनशिप सिर्फ क्या दिखावे के लिए है। कि जब वाकई में भाई बहन की इज्जत पे किसी ने सामने से हमला कर दिया, पीछे से कौन कर रहा है वो तो जब पकड़ा जाएगा तब पकड़ा जाएगा, लेकिन जो सामने से कर रहा है आप उसको नहीं कुछ बोल पा रहे हो, पीछे वाले को तो पकड़ने की बात बहुत दूर की बात है, पहले जो सामने कर रहा है उस सामने वाले का मुंह बंद कराने की हिम्मत तो करो, एटलीस्ट उसमें तो इनिशिएटिव लो, उसका तो मुंह बंद कराओ। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मेरी इंटेंशन समझ आप पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, और आपको क्लियर हुआ होगा। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक सॉलिड स्टैंड और एक्शन आप इन वाहियात लोगों के अगेंस्ट में ज़रूर लेंगे, उसके बाद हम सब आपके साथ हैं, गलत चीज़ में बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि ये कंटेंट से हटकर चीज़ें हैं, ये कंटेंट के अंदर वाली चीज़ें नहीं हैं, ये कंटेंट से हटकर चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों में हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। बकायदा कि आपको यहाँ पे आके पहले अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके बाद बाकी लोग आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, इस गलत के लिए स्टैंड लेने के लिए साथ ही हैं, लेकिन शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी।
सो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात से अग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।